सक्खर पाकिस्तान का वो शहर जो कि पूरी दुनिया में अपनी दो चीजों की वजह से बहुत मशहूर है। पहली वहां की खजूरें और दूसरे नंबर पे है वहां की गर्मी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मेरा प्लान है सक्खर जाने का और इस वक्त जो है वो मैं सादकाबाद के एक स्टेशन पे रुका हूँ जहाँ पे चाय पीने का प्लान किया है। गर्मी बहुत शदीद है क्योंकि मैं जिस एरिया में जा रहा हूँ वो पाकिस्तान का सबसे गर्म तरीन इलाका कंसिडर किया जाता है गर्मी की वजह से, और जबरदस्त बात यह है कि मैं उसी गर्मी में वहाँ पे जा रहा हूँ। सक्खर में सबसे मशहूर जगह जो कि लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं वो है लैंसडाउन ब्रिज, जो कि बरतानिया की गवर्नमेंट ने 18वीं या 19वीं सदी में बनाया। सक्खर शहर में अगर आप ये देखें तो आपको कोई इतनी एज सच डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही, रोड्स वगैरह टूटे हुए हैं, कोई एक रोड भी ऐसा नहीं मिला जो कि ठीक हो यहाँ पे, बट ब्रांड्स आर अवेलेबल। तो जंगल में मंगल, यहाँ पे रात के टाइम पे हम लोग जिस जगह पे डिनर करने के लिए आए हैं जिसका नाम है सिंदरी रेस्टोरेंट, और ये रेस्टोरेंट में आने के बाद ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कहीं सिंध की या सक्खर की बेल्ट में आया हूँ डिनर करने के लिए। और यहाँ पे जिस तरह का एनवायरनमेंट है, एम्बियंस है, इट लुक्स गुड। नहीं बारबेक्यू में, बारबेक्यू ना ट्राई करें। और ये जो प्लेटर है बारबेक्यू का, इसमें क्या क्या आइटम्स हैं? स्मॉल प्लेटर जो है ना ये वाला, इसमें एक और ये चार बंदों के लिए काफी रहेगा। हाँ कढ़ाई भी तो है साथ में। मेरे ख्याल में ये एक हाफ पैकेट जो है ना ये कर लेते हैं, ये वाला नहीं, ये वाला ये देख आप देख लो ना बस, ठीक है बस। और होपफुली इनका जो डिनर है, जो टेस्ट है वो अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो चीज़ ऑर्डर की है वो यहाँ की स्पेशलिटीज हैं। यहाँ पर हमने इनका बारबेक्यू प्लेटर ऑर्डर किया है और इनकी एक स्पेशल कढ़ाई है, सिंदरी स्पेशल कढ़ाई, जिसके अंदर इन्होंने नट्स को ग्राइंड करने के बाद ऐड किया है उसका मसाला बनाने के लिए, ग्रेवी बनाने के लिए, और उसमें है बादाम और काजू। वालेकुम अस्सलाम। ये तो अदाना कबाब की तरह बनाया हुआ है यार, हम क्या भरें भाई यार, हम कैसे। ओए होए होए, ओवरऑल रेस्टोरेंट इज गुड, और अगर मैं टेस्ट की बात करूँ टेस्ट इज रियली गुड। और नान जो है वो आपको पंजाब में या लाहौर में ही खाने को मिलते हैं, अच्छा नान आपको और कहीं नहीं मिलता खाने के लिए। अच्छा ये स्पेशल वाली थी जी, मक्खन चिकन डाला है। अच्छा सिंदरी है, इसमें ऐसी क्या चीज है जो ये मशहूर है? अच्छा ये इसमें ये जो मसाला बना हुआ है इसमें ड्राई फ्रूट है। ओके तो ड्राई फ्रूट में क्या स्पेशल चीज है जो डाली हुई है? काजू है, अखरोट है, क्या है? बादाम और काजू। अच्छा बादाम और काजू, चलो देखते हैं टेस्ट करते हैं। नहीं इवन कि वो जो उसने बादाम का बोला ना वो टेस्ट आ रहा है इसके अंदर। बहुत ही अच्छा है यार, ये सब चीजें डाल दी है पान के अंदर। कितने के?
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल लाइव विद नुमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।